नवरात्र अष्टमी के दिन राजस्थान की धरती से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड को भारतीय वायुसेना में शामिल किया तथा उन्होंने इस हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भरी। आपको बता दें कि यह हेलीकॉप्टर भारत का HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी LCH है, जो सारी चुनौतियों पर खरा उतरेगा और दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। यह हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला कर सकता है। इसमें हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसे एंटी टैंक और हवा से मारने वाली मिसाइलें से भी लैस किया जा सकता है। इस संबंध में गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे हल्का और सबसे पावरफुल स्वदेशी हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है, जो 16,000 फीट ऊपर से भी जाकर अटैक कर सकता है और दुश्मनों के रडार में भी नहीं आ सकता। भारत के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, जैसा कि आज आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने स्वदेशी अपना एक हेलीकॉप्टर, एक कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। मैं रक्षा मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, राजनाथ सिंह जी को, कि ये अद्भुत कार्य हुआ। सबसे हल्का और सबसे पावरफुल हेलीकॉप्टर है, जो 16,000 फीट पर जाके भी अटैक कर सकता है और दुश्मनों के रडार में भी नहीं आ सकता, और ये हमारे भारत ने बनाया। तो ये पता चलता है इस नए भारत का। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस अद्भुत भारत में अब हम लोग अपने स्वदेशी फाइटर प्लेन, फाइटर हम लोग विक्रांत अभी स्वदेशी बनाए, जो पानी में हमारा एक बहुत बड़ा युद्धपोत तैयार हुआ है जिसमें अनगिनत हेलीकॉप्टर उड़ सकते हैं। आज हमने अपना स्वयं का एक फाइटर हेलीकॉप्टर बनाया, जो हल्का है और बहुत ही सुंदर है, और 16,000 फीट से ये अटैक कर सकता है, दुश्मनों के रडार पर नहीं आ सकता। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की।